Hey, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. और दोस्तों, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox दोबारा से, लेकिन इस बार हम लोग करने जा रहे हैं एक नया चैलेंज. और इस चैलेंज में गाइज हम लोग, ये देखो भाई, एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. जी हाँ, मतलब मैजिक वैजिक करने वाले हैं गाइज. अरे कौन अटैक कर रहा है भाई? तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फायर एबिलिटी चूज की है और इसका इस्तेमाल करके हम लोगों के ऊपर फायर अटैक्स कर सकते हैं. ये देख रहे हो, सामने वाले बंदे को भाई क्रिस्प बना दिया. ये देखो मेरा फायर बॉल जुत्सु. अरे भाई स्टंट मारेगा तू? अभी रुको गाइस, बताते हैं इसको. तो भाई मेरे पास यार वाटर अटैक है भाई, लेकिन इससे कैसे लड़ूंगा मैं? अरे लड़ लेगा दोस्त, टेंशन क्यों ले रहा है? अभी देखो, अरे 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 मेरे ऊपर हमला करेगा तेरी भैंस क्या? अच्छा ये चॉप नहीं है, लेकिन गाइस ये भी वाटर अटैक ही था. अभी नहीं भाई, ये बंदा वाटर अटैक नहीं करता. अच्छा नहीं, वाटर ही अटैक कर रहा है. अरे वो कौन था भाई, उड़ते हुए जा रहा है? डैम गाइस, बहुत पावरफुल लोग है ये. देखो मार भी दिया इन लोगों ने मेरे को. तो हम लोग यहां पर यार आज इन सबको हरा करके साबित करेंगे. और सबसे जो पावरफुल फायर मैजिक एबिलिटी है, जिसका नाम है न्यूक्लियर डेवास्टेशन. ठीक है, डेवास्टेशन जो भी नाम है उसका, अपन लोग उसको टेस्ट आउट करने वाले हैं दोस्तों. तो विदाउट एनी वरीज लेट्स गेट राइट इनटू इट. और भाई ये देखो क्या स्नाइपर शॉट मारा भाई, एकदम यहां से जा करके लगा जोर से धमाका. और भाई वो कौन है भाई, पर्पल कलर की आग ले जा रहा है भाई. बहुत पावरफुल लोग है गाइस, लगता है नीचे आना ही पड़ेगा. भाई आ रहा, रुको मेरे लिए भाई. अरे आओ तुम आओ दोस्त, अपन लोग तब तक यहाँ पे फाइटिंग करते. लगता है ये चौप ही है गाइस, रुको इस पे हमला करते हैं. अरे भाई बच गया. ओ माय गॉड गाइस, वी कैन डू दिस. अरे ये मैजिक को बहुत टाइम लगता है. ओके, लगा लगा ये तो भाई जोर का फटका. ओके तो देखो कैसे भाग रहा है. अरे भाई आग लग गया बेचारे के ऊपर, उसके लिए बुरा लग रहा है गाइस मेरे को. हाँ भाग भाग, जल्दी भाग, घर भाग जा मुन्ना अपने, इससे पहले कि लेट हो जाए. और भाई सुपर जंप कैसे करते हैं गाइस इस गेम के अंदर? ओए चुप भाई, कैसे हो दोस्त? तुम्हें लगता है किसी ने मार दिया ब्रो? तो भाई ये देखो मेरी पावर. अरे भाई साइक्लोन के अंदर डाल दिया गाइस, अपने दोस्त पे भाई हमला करेगा. रुका भी बताता हूँ तेरे को, ये लो. अरे नहीं, इसका पावरफुल ज्यादा अटैक है यार. शिट गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ लगा लगा, इसको चोट लगा. अरे नहीं, दोनों को चोट लग गया. अबे वो कौन है भाई, इतना बड़ा धमाका हो गया बगल में, ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने. तो भाई चलो भाई बढ़ता हुआ. अरे मरूंगा मैं नहीं दोस्त, तुम. पर अफसोस गाइस, चौप और मेरे बीच में लड़ाई में अपन लोग ही जीते, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ही लोग को जीतना था, और कौन जीतता भाई. और गाइस अभी ना, अभी मेरे को दोबारा चौप को ट्रोल करने का है, लेकिन पता नहीं ये किधर रिस्पॉन हो गया गाइस, इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को. और लेट्स सी, हमारे पास यार काफी सारे पॉइंट्स भी हो चुके हैं. हम लोग इन पॉइंट्स से ना पता है और भी स्पेल्स अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरे को पता है काफी पैसा चाहिए उसके लिए गाइस. तो अभी ना मैं सिर्फ अपने के ये फायरबॉल वाले सारे के सारे पावर्स यूज करूंगा दूर से एनिमीज के ऊपर. ये देखा गाइस कैसा लगा भाई, अपन लोग पता है जमीन पर नीचे में ना बड़ा सा रिंग बना सकते गाइस, जिससे एनिमी के ऊपर अचानक से फायर डैमेज होगा. ये देखो, देखा आप लोगों ने, देखो चौप भी उधर ही जा रहा है, अपन लोग चौप पे भी अटैक करेंगे. अरे अरे लगा लगा, चोट लगा इसको, देखो कैसे भाग रहा है. फ्रॉस्ट भाई प्लीज ऐसा मत करो यार, मैं मर जाऊंगा फ्रॉस्ट भाई. अरे दोस्त मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, वो देखो. अरे भाई वो क्या बना रहा है? ओ भाई उसकी पावर देखी गाइस आपने, भाई हम लोगों का साइज देखो तुम और इन अटैक्स का साइज देखो. इसी से आपको आइडिया लग रहा होगा गाइस कितना बड़ा मैसिव वॉर हो रहा है यहाँ पर सबके बीच में. हमारी पावर भाई ये देखो, अरे अरे मेरे को मारेगा भाई, उतनी दूर से मार रहा है भाई. गाइस हमें टच करना इतना आसान नहीं है भाई, देखा इतने इजीली डॉज कर लिया यार. ओके लगा लगा, फटका लगा. अभी चलो 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 यही से मारते हैं भाई सबको. और लेट्स सी इधर इधर हुआ क्या. अरे नहीं यार, इसके लिए 125 चाहिए. और गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई बाकी के एलिमेंट्स कैसे अनलॉक करेंगे, तो उसके लिए डायमंड्स चाहिए. और ये जो शार्ड्स है ना गाइस येलो कलर के, जो अभी हमारे पास करेंटली 116 है, वो हमें यार बंदों को किल करने से मिलते हैं. और मैं सोच रहा हूँ चॉप को अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए, तो फटाफट से मैंने इसको इनवाइट भेज दिया है. अब बस देखना ये कि मिस्टर चॉप कब ज्वाइन करते हैं. तो भाई आप भी क्या भाई, चलो मिलकर मारते हैं सबको ब्रो. आओ आओ दोस्त, अपन दोनों मारेंगे ना तो इनके भाई साहब सारे के सारे भूत भाग जाएंगे. ओ भाई कैसी कैसी पावर वाले बंदे गाइस, लाइटनिंग पावर यहाँ पर लोगों ने अनलॉक कर ली है. मैंने सोचा भी नहीं था भाई इतना धमाकेदार एक्सपीरियंस होने वाला है, बट व्हाट कैन वी से गाइस. तो भाई देखो कैसे भाग गए भाई, अपन लोग से सबके फट रही है भाई. अरे वही तो दोस्त, देख रहे हो कोई फायरबॉल यूजर के सामने नहीं आना चाहता है गाइस, हम लोग लेवल 8 के भी हो चुके हैं. अरे यार शिट मेरा अटैक खराब हो गया. ओ चुप इधर आना भाई, इसको परेशान करते गाइस. इन लोगों ने बहुत ट्रोल किया हमें, अब टाइम है इन लोगों के झेलने का. ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी फायरबॉल, खाओ. मर गया, अरे मर गया गाइस. देखो उससे अपने को डायमंड मिला. कम ऑन कम ऑन, यही मौका है और अटैक करने का. मारते रहे बहुत बढ़िया भाई, ये हुई ना बात. भाई साहब अपन लोग भाई इनका चिकन तंदूरी बना देंगे भाई. अरे अरे वो कहां जा रहा है, मेरा शिकार चुराने की कोशिश करेगा. हाँ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ये लड़का. और भाई इसके पास तो यार ट्री वाली एबिलिटी है गाइज, अजीबो गरीब यहाँ पे पावर से. नहीं भाई उसके पास तो मिक्सअप है गाइज, उस बंदे के पास एक पावर नहीं है, उसके पास अलग अलग टाइप की पावर है. साइकिल
क्लोन भी है, ट्री भी है, फायर भी है। अबे चॉप तू मेरे पे अटैक कर ले। हाँ ये बढ़िया है भाई। तो मैं क्या करूँ यार, मेरा अटैक लगता ही नहीं उन लोगों को। गाइस यार मैं चॉप को दोस्त समझता था भाई, लेकिन वो दोस्ती के लायक नहीं निकला। और ये ले भाई तू भी मर। और क्या झटका लगा भाई, एक बंदा नॉकआउट भी हो गया। और राइट एक और शिकार आ रहा है इधर, इसके ऊपर भी टारगेट करते है। ये लो भाई ये मारा फटका खींच के, भाई ये भी राख हो गया। डैम आई एम सो सॉरी बट हमारे पास मत आओ दोस्तों, क्योंकि हम आपके। अरे ये मरा नहीं, व्हाट भाई कितने पावरफुल लोग हैं यार यहाँ पे। ये लो भाई तुम फ्राई हो जाओ पहले भाई। सब क्या था ये, और किसने अटैक कर दिया भाई, इतना ज्यादा हमला हो रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कौन अटैक कर रहा है कौन नहीं अटैक कर रहा है। एक तो ये भाई साहब भाई जंप वगैरह करना सीख गए। अरे मेरा पावर रिचार्ज होना, इस पे अटैक करना है मेरे को यार। डैम इट, ओके ओके किया किया। ओ भाई क्या जबरदस्त अटैक था। अरे नहीं इसके पास पर्पल अटैक है। अरे मेरी बैंड बजा देगा ये बंदा यार। गाइस इसके पास डार्कनेस वाला फायर है यार, जिसको इटर्नल इन्फर्नो स्टाइल फ्लेम कंट्रोल कहते हैं। लेकिन गाइस अभी हम लोग भी यहाँ पर यार पीछे नहीं हटेंगे। अरे मार दिया यार, पीछे हटेंगे तो नहीं लेकिन भाई बैंड जरूर बजा दी इसने। और अभी हम लोग करेंटली सेफ जोन में है। नाउ इट्स टाइम टू परचेज आवर न्यू पावर, इसके बाद वाली 150 पे अनलॉक होगी। सो डोंट वरी गाइस, उसको भी हम लोग जल्दी ही करेंगे। लेकिन अभी इसको इक्विप भी करना है अपने को। तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्लॉट है, तो हम लोग उसको फटाफट से स्लॉट नंबर 4 में डाल देते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्ले द गेम। ओके तो वापस कैसे जाते हैं भाई, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमें बस यहाँ पे आना है। एंड लुक एट दिस, ओके अच्छा तो इस पावर से गाइस मैं खुद को आग लगा सकता हूँ, और जिस भी बंदे को अपन लोग टच करेंगे ना वो जल के राख हो जाएगा। बट गाइस अभी ना इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसके लिए हम लोगों को बंदों के पास जाना जरूरी है। बाकी जो भी पावर है गाइस हमारे पास, वो यार बहुत इजी है। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोगों को टारगेट करना है और उनके ऊपर अटैक्स अनलीश करने एक के बाद एक। बट ट्रस्ट मी गाइस जो हम लोग करेंगे ना, अभी मेरे पास एक प्लान आया है। मैं देखना भाई मैं कॉम्बिनेशन अटैक्स यूज करूंगा गाइस। सबसे पहले हम लोग अपना फायर बॉल जूत्सू मारेंगे। अरे ये कैसे बच गया भाई, ये बंदा कैसे बच गया। रुको रुको एक और बार मारेंगे गाइस। एक सेकंड इसको रीलोड होने दो। ओके यहां पर हम लोगों ने इसको सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन पर लगता है मेरे पास माना नहीं है यार उतना। डैम इट गाइस मैजिक होना चाहिए इतना कि आप लोग उस पावर को यूज भी कर सको, ये बहुत खराब बात है भाई। ऑटो भाई तो बिना मैजिक के आप अटैक करना चाहते हो ब्रो। अरे लगा भाई उसको, तू वो छोड़ देख कैसे भाई जल के भाग रहा है। भाई जो भी बोलो फायर वाला जो अटैक्स होता है ना गाइस बाकी मैजिक एबिलिटीज से ज्यादा डैमेज देता है। देखो मार दिया भाई, मेरे को अभी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले किसी को मारने के। चलो इसको भी यहां पे जला देते हैं। ये देखो ओ अरे भाई कितना हेल्थ पॉइंट मिला मेरे को। भाई ये हुई ना बात दोस्तों, दैट इज व्हाट। अरे अपन दोनों के पावर टकरा गए भाई, देखा आप लोगों ने, उसने भी वहां से फायर बॉल मारा, मैंने भी मारा, लेकिन उसका वाला चूक गया गाइस। बट हमारा निशाना यहां पर एकदम बुलजाई जैसा था, बिल्कुल भी मिस नहीं किया हम लोग। और एक और टारगेट यहां पर एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं भाई फ्रॉस्टी भाई इज द बिगेस्ट प्रो ऑफ द प्रोज। अरे मेरे पे थर्ड पार्टी करेगा तू है, मेरे पे थर्ड पार्टी करेगा, रुक अभी तेरे को बताता हूं मैं। अरे 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 भाई 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 उसके ऊपर साइक्लोन मार दिया गया यार, अब ऑलमोस्ट उसके लिए बुरा लग रहा है। अबे भागता का है तेरी, तो रुक अभी बताता हूं तेरे को। अरे शिट यार सारे अटैक डॉज कर जाओ तुम। अरे नहीं कोई पीछे से अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। डैम इट वी कांट लेट दिस हैपन गाइस। ये लो दोनों को लगा चोट। ये लो भैंस की टैट, मेरे से लड़ाई करोगे तुम। ओ भाई क्या हो गया, ये इतना बड़ा धमाका कहां से हो गया गाइस। लगता है 3-4 बंदों ने एक साथ अटैक कर दिया है। ओके अभी हमारे पास एक और एनिमी आ चुका है। यो ब्रो ये ले, मेरे से लड़ाई करेगा तू है छोटे है, पीछे से आने की कोशिश कर रहा था हमारे। गाइस देखा मेरा जो इटर्नल फायर जुत्सु है आई मीन पावर है वो भाई बहुत मस्त है, इससे हम लोग यार बंदों को छू के जला सकते हैं। अरे बाप रे क्या हो गया, मेरी स्क्रीन पे सिर्फ येलो हो गया, कितना बड़ा धमाका कर दिया भाई इसने। ओ माय गॉड गाइस ये लोग बहुत पावरफुल है यार, मैंने जितना सोचा था गाइस उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले। आई डोंट नो हाउ लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं यार। हम लोगों के पास अभी भी 300 हेल्थ रिमेनिंग है, ऑल्दो ये ज्यादा तो नहीं होती है बट इतना काफी है भाई मैच जीतने के लिए। और गाइस ये देखो हम लोगों के पास अब अच्छे खासे डायमंड्स भी हो गए। यू नो व्हाट मैं सोच रहा हूं भाई एक नया अटैक अनलॉक किया जाए, तो रुको 2 मिनट मैं अभी करता हूं भाई। ऑलराइट गाइस हम लोगों ने अपना नया वाला अटैक खरीद लिया यहां पर, और इस अटैक को दिखाने के लिए मेरे को आपको ना दुश्मन के थोड़ा पास जाना पड़ेगा। एक सरप्राइज है गाइस, देखना अभी आप लोग इतना ज्यादा शॉक होने वाले हो ना आप लोगों को यकीन नहीं होगा। ये हमारा सबसे पावरफुल अटैक होने वाला है गाइस, एंड मैं इसको सही समय पे इस्तेमाल करूंगा। यहां पर कुछ टारगेट्स मेरे को दिखाई तो दे रहे हैं, एंड आई थिंक आई शुड यूज इट, बट डिपेंड करता है ये पावर अटैक मतलब अटैक करने के लिए गाइस थोड़ा सा समय लेता है, और इसको बहुत ज्यादा मैजिक चाहिए। देखो मैं स्पैम कर तो रहा हूं लेकिन हमारे पास इतना मैजिक पॉइंट्स नहीं है गाइस, इतना माना नहीं है हमारे पास। बट डोंट वरी इससे पहले कि अपन लोग मरे इसको यूज करेंगे। यस हो गया, और अब तुम लोग गए। ओके गाइस हम लोग अपना अल्टीमेट पावर अनलीश करने वाले हैं। लुक एट दिस भाई, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है ना कैमरा में फिट भी नहीं होता है भाई, एक बार में हर तरफ आग ही आग फैल गई गाइस। इसको कहते हैं अल्टीमेट मैजिक पावर, और गाइस ये बहुत मेहनत से मिली है, यकीन मानो भाई बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन फाइनली दोस्तों हम लोगों ने अनलॉक कर लिया फायर स्टाइल का सबसे पावरफुल मूव, और इसको यूज करके हम लोग अच्छे खासे एनिमीज को टेक डाउन कर सकते हैं। ये देखो भाई दूर से ही बंदों की बैंड बजाने के लिए ना मेरी फायर पावर काफी है भाई।
भाई। और तो भाई मेरा भी वाटर बहुत पावरफुल हो गया है भाई। और हाँ गाइस, चॉप ने सिर्फ वाटर ही नहीं फायर भी अनलॉक कर लिया, उसके पास अब दो दो टाइप की मैजिक एबिलिटीज है। मैं अपने पॉइंट्स यहाँ पर यार बेटर मैजिक अनलॉक करने में यूज कर रहा था, लेकिन चॉप भाई डिफरेंट टाइप का मैजिक अनलॉक कर रहा है भाई, फ्यूज कर रहा है। अरे शिट, हमारे ऊपर अटैक हो गया। ओ भाई ये क्या था? अबे बहुत तगड़ा डैमेज हुआ, लेकिन इट सीम्स लाइक गाइस हम लोग आज नहीं मरेंगे। अरे नहीं हुआ। अरे भाई क्या कर रहा है नूबड़े, मारेगा क्या मेरे को? रुक, इसको इसका गेम बचाना पड़ेगा गाइस। ऑलराइट, तो इससे पहले ये हमारा गेम बचाता, हम लोगों ने इसका गेम बचा दिया। मेरे को एक बार और अपना यार अल्टीमेट पावर इस्तेमाल करना है गाइस, तो रुको मैं मौका ढूंढ रहा हूं, लेकिन यार ये लोग उससे पहले ही टपका देंगे मेरे को लगता है। ऑलराइट तो गाइस ये देखो भाई, अभी अभी हमारे सामने किसी ने ना अपना अल्टीमेट फायर पावर अनलीश किया। और ये क्या है भाई? अरे अरे ये किसी का ट्री पावर है गाइस, देख रहे हो? अरे भाई भाई मैं बहुत बड़ा पेड़ उगा दिया यार तुमने, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। अरे उधर देखो भाई क्या हो रहा है, विंड पावर अनलीश हो रही है। रुको मैं भी अपना पावर अनलॉक करता हूं। आ जाओ भाई, जब सब कोई अपनी पावर दिखा ही रहे तो अपन लोग भी दिखा देते यहाँ पे। और गाइस देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। मतलब भाई ये पावर नहीं है भाई, ये पावर के भी ऊपर की चीज है, इससे टकराना मतलब भाई मौत को दावत देना होता है गाइस। एंड आई थिंक दैट विल बी इट, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पावरफुल बना जा सकता है। अगर आप लोगों को देखना है भाई हम लोगों को और भी एलिमेंट्स मास्टर करते हो, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।